No deer. Yes. No deer. Yes. I'm starting. Hello. You can see Hi. On the camera. हाय दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आपका संडे अच्छा गया होगा। व्हाट हैपेंड? ओके, समथिंग इज हैपनिंग विद हर। तो चलो शुरू करते हैं अपना। A bigger news flash. ओके, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इसराइल के बाद का पार्ट, इंडिया में आकर मैं और एसलिन, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया और कब सगाई हुई, कैसे सगाई हुई, और फिर एसलिन इंडिया में कैसे रही, उसके बाद लॉकडाउन में क्या क्या हुआ और फिर वापस कैसे गई, तो उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और जो भाई मित्र सखा इस चैनल को देख रहे हैं अभी, तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही चैनल बनता है। और कमेंट करके बता दीजिए करिए कि हाँ हमने सब्सक्राइब कर दिया है। आप हार्ट इमोजी दे दीजिए, कोई भी इमोजी दे दीजिए, उससे अच्छा लगता है, कनेक्शन बनता है आप लोगों के साथ में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हमारी भारत वाली प्यार की स्टोरी के बारे में। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम इसराइल में कैसे मिले और फेसबुक पर हमें कैसे प्यार हुआ था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में क्या हुआ था। इसराइल से हम सीधे भारत आ गए थे। भारत आने के बाद हमें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था, और जब 15 दिन पूरे हुए तो हमें लग रहा था कि अब हम बाहर घूम सकेंगे, फिर सकेंगे, लेकिन यह सब नहीं हो सका, क्योंकि तब भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। तो ये समझ लीजिए कि हम फिर से अनिश्चित समय के लिए घर के अंदर ही रहने वाले थे, क्योंकि ये कोरोना का नया नया दौर था और हम घर और खेत से बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। तो तब हम सिर्फ जैसे कि 15 दिन तो हम घर के अंदर ही रहे, तो घर के अंदर कमरे में ही हमारा सामान आता था। लोग डरते थे हमसे कि कहीं इनको कोरोना ना हो, कोई हमसे मिलने नहीं आता था। लेकिन शुरू में लोग हमसे मिले थे, काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे मिले, लेकिन जब उनको पता चला कि हमें क्वारंटाइन कर दिया गया है, हमारे घर के बाहर एक बैनर लगा दिया गया है कि यहाँ पर बाहर से जो भी आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, यहाँ कोरोना का संक्रमण हो सकता है, तो लोग काफ़ी डर गए थे। तो उनको बस ये इंतज़ार था कि हम ठीक ठाक ही हों, और बस हम ठीक ठाक ही थे। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि घर पर ही सब कुछ खाना मंगवाना पड़ता था, बाहर से सारा सामान घर पर ही आ जाता था, थालियाँ कमरे के अंदर पहुँच जाती थी, हम साथ अंदर ही खाना खाते थे दोनों। हम कोशिश करते थे कि बाहर ना जाया जाए मैक्सिमम। स्थिति यहाँ तक हो गई थी कि हम अपने परिवार वालों से मिलने से भी कतराते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अगर कोई संक्रमण हमारे अंदर हो वो किसी और के पास पहुँचे, क्योंकि इस स्थिति में वो लोग भी संक्रमित हो सकते थे और इस बीमारी के बारे में उस समय पर ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और तब लॉकडाउन तो शुरू ही हो चुका था, तो हम साथ रहे अंदर। आपको पता है जब एक आदमी एक कमरे के अंदर काफ़ी दिन रहता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और ये मन में ये होता कि भाई हम तो घूमने फिरने के लिए आए थे लेकिन हम घूम फिर ना सके। लेकिन तब भी स्थिति कुछ ठीक रही, क्योंकि एसलिन का प्यार था जो वो बना रहा, वो एक कोमल दिल की लड़की है, वो उनको उसको इन ज़्यादा चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझदार थी, उसने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी समझा, क्योंकि घूमना फिरना तो फिर भी हो सकता था। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम फैसला करते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते शादी के लिए, तो क्यों ना हम सगाई ही कर लें। तो हमने फिर सगाई का फैसला किया और घर पर ही रहकर हमने अपने माता पिता भाई बहनों के साथ मिलकर एक सगाई का लाइक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और फिर हम सगाई कर लेते हैं। तो ये सगाई का जो कार्यक्रम था ये हमने घर पर ही किया था, ये कोई बड़ा नहीं था, तो फिर उसका होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद में और उसके बाद फिर हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि शादी के लिए हमें डेट्स मिल जाएं। तो हमने एम्बेसी से बात की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स तो छोड़िए, एम्बेसी तो डेट ही नहीं दे रही थी, उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो अमेरिका से मिलेंगे। तो उस टाइम पर काफ़ी दिक्कतें आईं, तो हमने फिर डिसीजन लिया कि ठीक है इस बारी हम शादी नहीं करते हैं, शादी हम फिर बाद में करेंगे।
तो शादी का फैसला हमने टाल दिया था। तो फिर हमने जस्ट घर के काम किए, एक दूसरे की सहायता की, एक दूसरे को समझने की कोशिश की, फैमिली के साथ ऐसे ने टाइम बिताया, मेरे को भी टाइम दिया, मेरी भी काफ़ी चीज़ों में हेल्प की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी कटिंग भी उसने की थी, और ये काफ़ी एक ऐसा लम्हा था तब बाहर जाने से डरते थे कि भाई हेयर ड्रेसर की दुकान पे जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है भाई, दाढ़ी भी बड़ी हो गई थी, बाल भी बड़े हो गए थे, और घूमने फिरने के लिए हम कहाँ जाते थे, हम मैक्सिमम जैसे कि हमारे खेत 3-4 किलोमीटर दूर हैं तो खेत में ही चले जाते थे हम, तब इससे ज़्यादा हम कहीं नहीं जाते थे, क्योंकि अपने खेत में गन्ने चूस लिए, अपने खेत से कुछ जैसे सब्जियां ले आए, वहाँ घूम फिर आए, तो वो जो साल था वो वहाँ हम कहीं भी ना जा सके। हमने सोचा था कि हिमाचल जाएंगे, हमने सोचा था गोवा जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, समुद्र किनारे घूमेंगे, पहाड़ों पर घूमेंगे, लेकिन हम तो बस अपने घर ही में ही घूम रहे थे, सारा देश ही अपने घर में घूम रहा था। और बस स्थिति ये थी कि भी कई बार तो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती थी, और कई बार फिर दिल को दिलासा भी देते थे कोई नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और धीरे धीरे हमें उम्मीद थी कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। अब फिर लास्ट में जाके हमें कुछ टाइम मिला था बाहर निकलने का, लेकिन हर राज्य में स्थिति एक जैसी नहीं थी। तो एसलीन को पशुओं से प्यार था, तो आसपास काफ़ी गौशालाएँ थी, तो हम वहाँ चले जाते थे। और जब हम कहीं भी जाते थे तो एक बात तो क्लियर थी कि लोग घूरते थे, लोग देखते थे। ये चीज़ हमारे यहाँ पर काफ़ी होती है कि एक फॉरेनर को एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। उनको भी हमें इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर होना कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है, दिल में आपके क्या है वो बड़ी बात है। तो जो पिछला साल था वो बीतता जा रहा था, और फिर लास्ट में हम गांव के लोगों से मिले, खूब मिले जुले, और फिर एसलीन के वापस जाने की भी तारीख आ गई थी, उसको वापस अमेरिका जाना पड़ रहा था। लेकिन मुझे ही पता था कि वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, एक साल लगा, मिन्नतें की, प्रार्थनाएं की, एप्लीकेशनें डाली, तब जाकर एसलीन वापस आई। लेकिन वो सब प्रोसेस में बहुत स्ट्रगल हुआ, किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आगे आप क्या जानना चाह रहे हैं, हमसे क्या चाह रहे हैं, कैसी वीडियो चाह रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर जाकर प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हम दोनों को, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ट्विटर पर भी मेरा अकाउंट है, एक बार थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए ट्विटर पर, डिस्क्रिप्शन में सभी अकाउंट्स के लिंक हैं, आप वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। हम मोस्टली जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर देते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना प्यार बना के रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।